One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. When I received a message from one of the colleagues of Samsung that they want to meet me, they had some problems with the state government regarding their clearances for what they have done prior to March 19th this year. So I asked them to meet the next day. It was on 24th of March. When they met me, they said that they want to shift this project from Uttar Pradesh to some other state now. So I was very worried and I was concerned. So why do you want to do it? So I was being told that the government sanctions, which are pending for the last few months in the state government, they were not being sanctioned and they had to meet some of the other people around and run from Noida to Lucknow many a times. I assured them that you don't have to go to any other state now. And after a fortnight or so, Mr. Hong came with his colleagues to my office and I requested Honorable Chief Minister Adarniya Shri Adityanath Yogi that Mr. Hong and some other officials from the Samsung, they want to come and meet you. I remember that was the day when you promised investment for rupees 3,000 crore rupees. जब 2007 में चुनाव हुए, लेकिन कहा कि मायावती के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, उन्होंने नहीं कराई। गठबंधन में तो शुरू से भ्रष्टाचार के लिए सब लोग एक मंच पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई गठबंधन करता तो उसकी चर्चा हो सकती थी। अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों के लिए जो पूर्व और पश्चिम थे, अगर वो हितों के लिए और स्वार्थों के लिए भ्रष्टाचार के लिए उसके रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं तो ये नई बात नहीं है। पहले से मुझे लगता है कि वो गठबंधन था। देखिए, ये आज से लगभग महीने पहले, जब 2.5-3 महीने पहले जिस समय हमारे मैंने भी यहाँ पर कहा, यहाँ पे सबसे आए थे तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से शिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने उनसे बातचीत करी, हमारे आदमी विश्वास कराया। 2.5 महीने का इतना फर्क है कि जो उत्तर प्रदेश को छोड़ कर जाना चाहते थे वो उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ से बाहर 4,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। ये उपलब्धि रोजगार के 7,000 करोड़ और कितना प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? बजट में ये 4,000 करोड़। क्या चल रहा है टाइम लाइन शेयर की गई है? ऐसी कई कंपनियां जो यहाँ से क्लाइंट की बात कर रही है, अभी जो कर रही है, मैंने आपसे बोला यही कर रहे थे, इनको हमने बातचीत करी है, हमने विश्वास डेवलप किया, इनसे बातचीत किया, मैंने भी बोला एक बार ये फोन करते थे, दो बार मैं पूछा था आपका काम हुआ कि नहीं, इस प्रकार की मैं सरकार भी इस प्रकार के लोग चले अब विश्वास डेवलप किया उसको बिल्डर्स को और बायर्स की बहुत बड़ी समस्या है। हम सीरियस उसको देख रहे हैं, हमने कई मीटिंगें कर ली हैं, हम हर वो संभव प्रयास करेंगे कि जिससे बायर्स को लेकिन हम उस लिमिट तक उनको ले जाएंगे जहाँ उनको पैसे देने के बजट में।